एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल एस्ट्रो रूही में, और मैं हूँ महा आचार्य रूही। एंड आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर के बारे में देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में आपके लिए क्या चलता है, क्या चल रहा है आपके लिए। सुबह सुबह की एनर्जी को हम चेक करेंगे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर के इमोशंस को चेक करने वाले हैं। सो यस, आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है डीपली हम जानेंगे। और ये जो है नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं उनके लिए भी है, और जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए भी है। तो यस, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके बारे में जो है एक बार उनको विजुअलाइज़ कर लीजिए, और एक बार उनका नाम ले लीजिए। एक बार नाम ले सकते हैं, तीन बार नाम ले सकते हैं, या रीडिंग के दौरान जो है ना उनके बारे में आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको करना है, और यहाँ की एनर्जी जो भी निकल के आएगी वो आपको देखना है कि क्या है, ठीक है। तो बी पॉजिटिव एंड करते हैं रीडिंग को स्टार्ट पॉजिटिविटी के साथ। सो यस, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। सो आज हम एनर्जी ऑरिकल डेक से ही चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि उनकी एनर्जी क्या है, एंड उसके बाद देखते हैं, ओके। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड कीजिएगा। एंड दुर्गा अष्टमी वाला उपाय आप लोगों ने देखा, चार उपाय मैंने बताए थे, ठीक है। आज एक और वीडियो आएगा दुर्गा अष्टमी को लेकर के ही मेरे एस्ट्रो रूही चैनल पे। जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ हो, है ना, उन लोगों के लिए स्पेशली वो वीडियो रहेगा, ठीक है। जिनको लगता है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, मुझे किसी ने जो है मेरे काम में रुकावट आ रही है, या मेरा काम नहीं बन रहा है, तो उन लोगों के लिए है स्पेशली वो वीडियो, ठीक है। तो आप लोग उस चैनल को विजिट ज़रूर कीजिए एस्ट्रो रूही, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको जो है वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाया करे जब भी वीडियो अपलोड हो, ठीक है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें, ओके। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, गॉडेस ऑफ द मून, ओके। एंजाइटी, एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी आई है, ओके। द सन का कार्ड है, ओके। यहाँ है मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है ब्रोकन हार्ट, ब्रोकन हार्ट की एनर्जी यहाँ पे आई है बॉटम ऑफ द डेक। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, सबसे पहले तो यहाँ की एनर्जी बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। तो उनकी एनर्जी की बात हमने करी थी पहले, तो उनकी एनर्जी आप लोग देख सकते हैं कि क्या है, बहुत ज़्यादा ही दिल टूटा है, तकलीफ़ में है, बेचैन से हैं, अंदर से जो है बहुत उदासी है, बहुत परेशानी है, अंदर ही अंदर दिल रो रहा है, टूट गया है इनका दिल। इनके दिल में आपके लिए जो प्यार, जो मोहब्बत है वो बहुत डीप लेवल की है, बहुत डीपली है। इनकी एनर्जी काफ़ी क्लियर बताती है कि ये पर्सन चोट खाए हुए हैं, दिल के ज़ख्म को बर्दाश्त कर रहे हैं। ये पर्सन अपने दिल के ज़ख्म को कहें तो हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये पर्सन के अंदर एक बेचैनी, एक बेताबी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा फील होता है कि ये पर्सन अंदर ही अंदर अपने आप को काफ़ी ब्लेम भी करते हैं, काफ़ी ब्लेम करते हैं ये पर्सन। अंदर से जो एक होता है ना कि हाँ ऐसे नहीं हो पाया, वैसे नहीं हो पाया, ये नहीं कर सकते हम, वो नहीं कर सकते, तो वो वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर के अंदर। वो तकलीफ़, वो पेन मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन का दिल बहुत ज़ख्मी है, बेचारे का, बेचारा या बेचारी जो भी है, बहुत ज़्यादा दिल ज़ख्मी है, बहुत दिल ज़ख्मी है। मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि आपके रिलेशनशिप में ऐसा मुझे फील हो रहा है, गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी जो कि बताती है, एक अलग सी वाइब है, एक अलग सी एनर्जी है।
आपके पार्टनर आपको देख करके अपने आप को कहते हैं ना कि यार तुम्हें देख करके तो मैं बहुत फ्रेश हो जाता हूँ, तो वो जो है ना एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर को एन्जाइटी स्ट्रेस बहुत है, बहुत 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 नेक्स्ट लेवल की एन्जाइटी स्ट्रेस है। ये पर्सन अपने आप को कहते हैं ना कि मैं अपने आप को मैनेज कर रहा हूँ ना यार, तुम मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो, है ना, तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर रात में सो नहीं पा रहे हैं, अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं, डरावने से सपने आ रहे हैं, अकेलापन फील हो रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं, अपने आप को आइसोलेट कर लिया इस पर्सन ने, अपने आप को कहीं ना कहीं इस पर्सन ने इतना बांध लिया है कि मुझे किसी और के ऊपर ध्यान नहीं देना है, मुझे अपने आप के ऊपर ध्यान देना है। और ये पर्सन जब अपने आप के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो इनकी एन्जाइटी वाली आ रही है, एन्जाइटी स्ट्रेस वाली आ रही है। ये पर्सन के हाथ में अब कुछ नहीं है, इनको लगता है कि यार मेरे हाथ में अब क्या ही बचा है, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी में ये क्यों हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के दिल में, आपके पार्टनर के मन में ख्याल आ रहे हैं और आपके पार्टनर का मन, आपके पार्टनर का दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही बेचैन हो रहा है। इनकी बेचैनी को समझने वाला भी कोई नहीं है, इनकी बेताबी को कोई समझने वाला नहीं है। ये पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है कि पर्सन अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि यस, आपके पार्टनर को जो भी ये पर्सन सोच रहे हैं, आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है। ओके, गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी क्यों है डिवाइन, हमें प्लीज़ गाइड करें। गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी क्यों है डिवाइन, हमें प्लीज़ गाइड करें। देखो, सिक्स ऑफ कप्स, आपके पार्टनर आपसे मिलने की चाहत बहुत रखते हैं, बहुत ज़्यादा चाहत होती है इनकी कि मैं मिलूँ, मैं बात करूँ, वो वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना सबसे ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है जैसे कि यार मैं कैसे बर्दाश्त करूँ, ठीक है, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। देख रहे हो यहाँ पे एकदम ये पर्सन के दिल में जो चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं अपने आप को इतना अकेलापन फील कर रहे हैं कि इनको लग रहा है कि यार मेरे इस अकेलेपन को देखने वाला भी कोई नहीं है, अब मेरे इस अकेलेपन के साथ मुझे अकेले ही डील करना पड़ेगा, मेरा अपना कोई नहीं है, मेरा अपना जो था वो तो चला गया, वो तो रूठा हुआ है, तो मैं क्या करूँ। आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा ही परेशानी मुझे नज़र आ रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत वीक फील कर रहे हैं क्योंकि आपसे मिलना भी नहीं हो पा रहा है और ये पर्सन आपसे चाह के मिल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रेस। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, यस, आपके पार्टनर को आपसे प्यार बहुत है, आपके साथ कनेक्शन बहुत है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। साथ ही साथ मुझे ऐसा फील होता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एट ऑफ कप्स का कार्ड है। एट ऑफ कप्स यानी कि बहुत ज़्यादा ही एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा ही वीकनेस फील होती है आपके पार्टनर को, बहुत ज़्यादा ही एन्जाइटी होता है, बहुत स्ट्रेस होता है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर को लगने लगता है, आपके पार्टनर को लगता है कि यार क्यों ऐसा क्यों होता है, वैसी चीज़ें क्यों होती है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। सो यस, मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यस, किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है, यस, आपके पार्टनर काफ़ी स्ट्रांग लेवल पे हैं, काफ़ी स्ट्रांग लेवल की एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रांग लेवल पे जो है मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ऐसा लगता है जैसे कि आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आपके ऊपर नज़र है इनकी। लेकिन यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि यस, आपके पार्टनर को काफ़ी होता है ना कि टेंशन हो रही है, यार मैं नहीं कर सकता, ये भी होता है आपके पार्टनर के अंदर। लेकिन क्या करें, ये पर्सन का ध्यान जो भी है ये आपके ऊपर जाता है, इस पर्सन की नज़रें जो है आपसे हटती नहीं है। यहाँ पे देख रहा है कि ये पर्सन विश भी मांग रहे हैं, इस पर्सन के दिल में दिमाग में ये भी चल रहा है कि यार क्या ऐसा चक्कर चलाऊं जिससे मेरी वो जितनी भी गलती है वो भूल जाए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनकी गलतियों को भुलाने को तैयार नहीं हो, क्योंकि ये पर्सन ने इतनी बड़ी गलती करी है, इतनी गंदी सी हरकत की है कि आपको भूलना नामुमकिन है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि नामुमकिन है, ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि नामुमकिन है। मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि नो, ये कनेक्शन जो है ना इतना स्ट्रांग है कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं दर्द में होगा, तकलीफ़ में होगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है।
एट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर काफ़ी परेशान इसलिए भी हैं कि एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के अनुसार से ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन के अंदर जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, देखिए ये पर्सन को सक्सेस नहीं मिल रही है। इस पर्सन को लग रहा है कि यार मैं इतना कुछ कर चुका हूँ या इतना कुछ करने का सोच रहा हूँ, इतनी कुछ चीज़ें करने का एफर्ट डालने का सोच रहा हूँ। इनके दिल दिमाग में बस एक ही बात है कि मैं कितना भी एफर्ट डालूँ ना, उसके जैसा सक्सेसफुल नहीं हो सकता या उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो ये पर्सन अपना गुस्सा दिखाकर, अपना एटीट्यूड दिखाकर के आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। इनका मेन मकसद ये दिख रहा है मुझे। मेन एक होता है ना कि हाँ यार तुम मेरे कंट्रोल में रहो ना, मैं जैसा कहता हूँ या कहती हूँ वैसा तुम करो ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा भी दिख रहा है, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर के अंदर वो कहते हैं ना कि आपके पार्टनर के अंदर वो ट्रस्ट बनना, आपके पार्टनर के अंदर वो ट्रस्ट को बनाना काफ़ी मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत अलग सा फील कर रहे हैं। इनके दिल में दिमाग में चल रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या ऐसा करूँ, कैसा करूँ कि फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाए, या आप इनकी वैल्यू करने लगो, या आप जो है इनके पास आ जाओ। ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे। एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी क्यों है डिवाइन, मुझे गाइड करें। एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी क्यों है डिवाइन। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, द हर्मिट का कार्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, सो मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। सो यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो देखिए आपके पार्टनर को कभी कभी लगता है ना कि ये सब कुछ बैलेंस कर लेंगे, सब कुछ सही कर लेंगे, सब कुछ बहुत ज़्यादा ही बेस्ट तरीके से करेंगे, सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से करेंगे। सो ये पर्सन को कभी कभी लगता है कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन को फील होता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर, मुझे दिख रहा है एट ऑफ वांड्स का कार्ड है। तो यस, ये पर्सन के अंदर है, इस पर्सन के दिल में है कि यार मिल के बातें करें क्या, मिलके मैं अपनी कंडीशन बताऊं क्या, मैं मिलके मैं अपनी सिचुएशन को बताऊं क्या, क्योंकि ये पर्सन है बहुत परेशान। इस पर्सन के दिल में जो आंधी तूफान चल रहा है ना, वो आंधी तूफान आपके सामने बोलना है कि यार ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे, ये स्ट्रेस हो रहा है मुझे, क्यों मैं इतना परेशान हूँ, क्यों मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस में ले रहा हूँ यार, क्यों 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 क्यों। तो मैं ये नहीं चाहता। आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जिस तरीके से अपने आप के ऊपर स्ट्रेस ले रहे हैं ना, ये अनएक्सपेक्टेड सा है, अनएक्सपेक्टेड है पूरी तरीके से। सो यस, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पार्टनर हैं हर्मिट की एनर्जी में है। आपके पार्टनर को कहूँगी कि इस पर्सन के मन में हज़ार तरीके की चीज़ें चलती हैं। कभी इनको लगता है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो कभी लगता है कि यार हम दोनों एक कर्मा के थ्रू ही जुड़े हैं। तो इनके दिल दिमाग में बहुत सारी बातें हैं। कभी लगता है कि आप इनसे तो इतना प्यार करते हो कि इनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते, एक क्षण भी नहीं रह सकते, एक क्षण रहना बड़ा मुश्किल है। सो यस, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर को काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है, काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है, काफ़ी स्ट्रेस में है आपके पार्टनर। आपके पार्टनर को लगता है कि यार ये चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए थी, फिर भी ये चीज़ें नहीं हो पाई, ये चीज़ें मतलब अब इंतज़ार नहीं हो रहा है। तो ये वाली एनर्जी फील हो रही है आपके पार्टनर को, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी बताती है कि इनके दिल में दिमाग में सिर्फ आपको लेकर के क्या होता है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड एम्प्रेस की एनर्जी, नंबर थ्री आप लोग नोट करो, नंबर थ्री यानी कि आप दोनों के बीच में पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसे नंबर यहाँ पे ब्रोकन हार्ट का कार्ड है एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो सेम कार्ड है। यानी कि इनका दिल दुख रहा है क्या सोच करके कि यार थर्ड पार्टी आई तो आपके ज़िंदगी में ये मुश्किलें आनी तब स्टार्ट हुई थी, है ना, क्योंकि सन की एनर्जी है ना, तो ये पास्ट की एनर्जी भी बता रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यस, पास्ट में भी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई थी, चाहे आपकी तरफ से आए चाहे इनकी तरफ से आए, थर्ड पार्टी आई थी और थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके रिश्ते में ये इस तरीके से तनाव होने लगा, इस तरीके से तकलीफ़ें होने लगी, इस तरीके से आप दोनों अलग हो गए एक दूसरे से। तो वो जो तकलीफ़ें हैं, वो जो दर्द है, आप दोनों झेल नहीं पाए। आप दोनों को झेलना मतलब एक होता है ना कि हाँ यार बर्दाश्त की भी एक हद होती है। तो तुमने सुना है क्या,
ऐसी एनर्जी है कि तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो यस, आपके पार्टनर ने ये बहुत सारी चीज़ें सुनाई भी हैं एंड मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रेस हो रहा है। आपके पार्टनर जो है इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, आपके पार्टनर इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं। ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि यस, ये पर्सन अपने आप में कहीं ना कहीं बिजी रहना चाहते हैं, अपने आप में कहीं ना कहीं इतना बिजी रहना चाहते हैं कि ये पर्सन को आपकी याद ना आए, क्योंकि इस पर्सन का दिल टूटा है ना, इस पर्सन का दिल टूटा है। ये पर्सन को लग रहा है कि यार आप खुश हो अपनी फैमिली के साथ, इनके दिल में तो यही है ना कि आप खुश हो अपनी फैमिली के साथ, आप तो टाइम दे रहे हो अपनी फैमिली को, आप तो अपनी फैमिली आगे बढ़ा रहे हो, आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर रहे हो। लेकिन यही एक पर्सन है जो कि इस रिलेशनशिप को लेकर के टेंशन में है। ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि यार क्यों यार मैं ही क्यों टेंशन ले रहा हूँ, मुझे इससे बाहर निकलना है, मुझे अपने आप को हील करना है ना। तो ये वाली एनर्जी फील हो रही है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं अपने आप को इतना वीक फील नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं वो वीकनेस मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर के अंदर, वो वीक एनर्जी फील हो रही है। आपके पार्टनर को लगता है कि यार ये वीक एनर्जी क्यों है, मेरे अंदर क्यों होता है इतना ज़्यादा एंजाइटी, क्यों होता है इतना ज़्यादा स्ट्रेस, मैं कुछ क्यों नहीं समझ पाता, क्यों नहीं कुछ कर पाता। ये पर्सन कुछ इस तरीके का रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। इस पर्सन के दिल में दिमाग में चल रहा है यार कुछ ऐसी छड़ी आए जिसे मैं घुमाऊँ सटाक से एंड वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएँ। सो आपके पार्टनर के दिल में दिमाग में है कि जो भी है जैसा भी है मैं कर सकता हूँ ना, इन सारी चीज़ों को तो मैं कर सकता हूँ, बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, तो मुझे इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत क्या है। आपके पार्टनर के दिल दिमाग में बस यही चल रहा है कि प्यार की एक नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ऑफ़र करते हैं अपने पार्टनर को। और मेरा पार्टनर तो है कि वो ऑफ़र का इंतज़ार कर रहा है। सो यस, द सन का कार्ड आ गया। यस, आपके पार्टनर के दिल में चल रहा है कि हाँ ठीक है करते हैं ना, ठीक है एक न्यू बिगनिंग करते हैं ना, देखते हैं। ये सब शॉर्ट्स का कार्ड है। इनको क्लैरिटी आ गई है कि आप इनके बगैर नहीं रह सकते और ये आपके बगैर नहीं रह सकते। सो वो है ना अंजलि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, है ना वो वाला सिस्टम, वो वाला डायलॉग मुझे याद आ रहा है। सो यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर प्यार करते हैं आपसे और आपसे दूर नहीं रह सकते भाई, किसी कीमत में नहीं रह सकते। अगर ये नो कॉन्टैक्ट में है तो ये पर्सन आ जाएंगे, और अगर कॉन्टैक्ट में है तो फिर तो बल्ले बल्ले है। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है लाइक कीजिए। आप लोग लाइक करने बड़ा कंजूसी करते, क्यों भाई, अच्छा नहीं लगता क्या किसी को सक्सेसफुल देखना, या किसी की एनर्जी को अप्रिसिएट करना, किसी की वीडियो, किसी मेहनत को, है ना, किसी की मेहनत को लाइक करना। लाइक करने में पैसे नहीं लगते और टाइम भी नहीं लगता ज़्यादा, एक सेकेंड भी नहीं लगता मेरे ख्याल से, एक सेकेंड भी नहीं। लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, एंड मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। जय माता दी।